हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचे चैनल में, और मैं हूं पंकज मौर्य। देखिए, ये है गजनिया का पौधा, कितना अच्छा इसमें फूल खिले हुए हैं। आप भी इस तरीके के फूल खिला सकते हैं। बस आपको आज जो हम दो तीन टिप्स बताने वाले हैं उनको अगर फॉलो करते हैं तो आपके पौधे में भी इस तरीके से फूल आएंगे। ये देखिए कितना अच्छा पौधा लग रहा है, और इसमें केवल एक पौधा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला पौधा है, और इसमें कलियाँ बहुत सारी निकल रही हैं। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारी कलियाँ निकल रही हैं। ये कली लगी हुई हैं, और छोटी छोटी बहुत सारी कलियाँ, अंदर से आप ऐसे करके देखेंगे तो सब कलियाँ ही इसमें निकल रही हैं। डेली बहुत सारे फूल खिलते रहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप फूल खिलाना चाहते हैं तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा। और ये देखिए, यहाँ पर केवल एक ही पौधा है। अगर आप देखेंगे तो केवल एक पौधा, ये पूरा बंच बन चुका है, और ये 10 इंची पार्ट में हमने लगा रखा है, और खुली धूप में छत पर रखा हुआ है। इसलिए देखिए कितने अच्छे इसमें फूल खिल रहे हैं। जो भी ये पौधे हमारे छत पर रखे हुए हैं, इनमें देखिए सब में फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं। और ये देखिए, इसमें हमने दो कलर के पौधे लगा रखे हैं। ये देखिए, इसमें छोटा सा ये ट्रे था, खाली पड़ा था, तो उसमें हमने लगा दिया था, और इसमें इतने ज़्यादा फूल खिल रहे हैं। डेली खिलते हैं फूल इस तरीके से, और दो कलर होने की वजह से और भी खूबसूरत लगता है ये। इसका कलर देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल सनफ्लावर जैसे फूल खिले हुए हैं। ये देखिए, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला टिप्स ये है कि आप इसमें पानी जो है वो थोड़ा कम मात्रा में दें। ये देखिए, मिट्टी हल्की सी सूखी सूखी सी लग रही है, लेकिन मॉइस्चर इसमें नीचे भी बना हुआ है। अगर आप सोचेंगे कि ऊपर से सूखा दिख रहा है तो इसमें पानी हम डालते जाएं और ज़्यादा मॉइस्चर बना देंगे तो कलियाँ बहुत कम बनेंगी और पत्तियों की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होती रहेगी, लेकिन फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलेंगे। ये देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा इसमें कलियाँ निकल रही हैं, सब फूली फूल इसमें दिख रहे हैं। और ये देखिए, ये भी फूल खिलने वाले हैं, और इसके फूल ऐसे होते हैं कि लगातार 2-3 दिन तक ये फूल खिलते हैं और बंद हो जाते हैं। फिर सुबह जब धूप निकलती है तो फिर से खिलने लगते हैं। और ये देखिए, ये हमारी ट्रे है, ट्रे में हमने नीचे होल कर दिए थे। कम से कम 4-5 जगह होल कर देना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसमें फूलों वाले जो पौधे होते हैं उनमें बिल्कुल भी पानी नहीं रुकना चाहिए। जितनी नमी आप कम रखेंगे उतना ज़्यादा इसमें फूल खिलते हैं। ये देखिए, मिट्टी एकदम इसकी ड्राई हो चुकी है, और दो पौधे हैं, दोनों पौधे एकदम झुंड बन चुके हैं। ये देखिए, बहुत सारे इसमें कलियाँ निकल रही हैं। और दूसरी चीज़, आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको ध्यान देनी है कि जब आप ये फूल खिलते रहते हैं तो जो आपको लगे कि फूल खिल चुका है वो कभी अब दोबारा नहीं खिलेगा। जैसे इस तरीके के जब फूल हो जाते हैं, ये देखिए सभी फूल खिले हुए हैं, लेकिन ये पौधा, जो पौधे का जो ये फूल है, ये ज़्यादा नहीं खिला है। तो ये आज इतना खिला है, कल ये बिल्कुल ही नहीं खिलेगा। तो इसको हमको तोड़ना पड़ता है, इसको आप ज़रूर तोड़ दें, क्योंकि अगर तोड़ेंगे नहीं तो उसकी जो एनर्जी होती है वो बीज बनने में लग जाती है, तो फूल ज़्यादा मात्रा में नहीं खिल पाएंगे। तो आप ध्यान रखें इस बात को, जितने भी फूल इस तरीके के होते जाएं तो आप उनको तोड़ते जाइए, तोड़कर आप डाल दीजिए। ये देखिए, हमने यहाँ पर तोड़ के डाले हुए हैं। ये 3-4 दिन के बाद ऐसे हो जाते हैं, तो इनको आप तोड़ दीजिए, और हाथ से ही टूट जाता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ से आप तोड़ के डाल सकते हैं। जब इनको आप तोड़ देंगे तो वहाँ से दूसरी जो नीचे से और कलियाँ निकलने लगती हैं। तो ये देखिए, लुक इसका बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप भी फूल पा सकते हैं बहुत सारे, और इसमें वर्मी कंपोस्ट का बहुत ही रोल होता है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप 50% गोबर की खाद ज़रूर इसमें मिलाएं। ये देखिए, और जो बलुई मिट्टी होती है वो बहुत ही बेस्ट होती है इसके लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।